आज हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था उसके कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे आज कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स को हमें सॉल्व करना है किस तरीके के केसेस हमें मिल सकते हैं उसमें ठीक है तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट टू बी मेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में पहला हमारा एल है इसमें है एक्सलिमिटेड है

वॉट इज द as इन्वेस्टमेंट और Companies दैट शुड बी मेड बाई एक्स लिमिटेड एज पर है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि किस कितना इनको क्या करना है डिपॉजिट करना है डी आर आर में डिवेंचर्स के रिडम्पशन होने से पहले ये हम लोगों को निकाल के बताना है तो उसके लिए हम लोग जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक टेबल बनाई हुई है ठीक है डेट डाल दी है हम लोगों ने थर्टी फर्स्ट ऑफ ट्वेंटी क्या होगा जब थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन को रिडीम हो रहा है तो ऑब्वियस है थर्टी एथ अप्रैल टू थाउजेंड को हम इसका इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे ठीक है या डिपॉजिट कर चुके होंगे ऐसे ही थर्टी अप्रैल एटीन जो 19 में हो रहे हैं उसका 18 में इन्वेस्ट किया जो 20 में हो रहा है हम थर्टी अप्रैल को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर थर्टी मार्च को रिडीम होगा ठीक है तो सिंपल है ये हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ है ठीक है तो अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर बीइंग रिडीम जो नॉमिनल वैल्यू है रिडीम होगी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल्स टू ट्वेंटी लैक्स तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ ट्वेंटी लैक्स कितना थ्री लाख ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी लाख होगा फाइव लाख एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी लाख होगा फोर लाख ठीक है तो अब मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट कितना होगा हमारा डीआरआई में ठीक है सिंपल है जैसे मैंने बताया था मिनिमम आपको फिफ्टीन परसेंट अपनी फेस वैल्यू का करना ही करना है ठीक है तो सिंपल है फेस वैल्यू हमारी आ रही है थ्री लाख इधर फाइव लाख इधर थ्री लाख इधर फाइव लाख इधर फोर लाख इधर क्लियर है तो इनका हम लोग क्या करेंगे फिफ्टीन परसेंट निकाल लेंगे ठीक है ये परसेंटेज जो हमें दिया है ये बता रहा है कि कितने परसेंट डिवेंचर्स कौन से ईयर में रिडीम हो रहे हैं है। तो अब इनका अगर टोटल करेंगे तो फिर ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी टू में रिडीम हो रहे हैं तो हमने इस तरीके से इनकी फेस वैल्यू निकाल ली अगर इसका टोटल करोगे तो ट्वेंटी लाख हो जाएगा अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिंपल है जो थ्री लाख हम रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर जिनकी वैल्यू थ्री लाख है फेस वैल्यू ठीक है उनका हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा थ्री लैख का फिफ्टीन तो परसेंट क्या होगा हमारा फोर्टी फाइव थाउजेंडियस ऐसे ही फाइव लाख का फिफ्टीन परसेंट निकालेंगे थ्री लाख का फिफ्टीन परसेंट फाइव लाख का फिफ्टीन परसेंट एंड फोर लाख का फिफ्टीन परसेंट इतना हमको इन्वेस्ट मिनिमम करना ही करना है ठीक क्लियर है तो तो ये तो था एकदम बेसिक क्वेश्चन है क्लियर है आगे बात करते हैं हम लोग इश्यू ऑफ इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ठीक है भी हो रहा है और रिडीम भी हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है वाई लिमिटेड इशूड फिफ्टी थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ टेन ईच ऑन फर्स्ट लिमिटेड ने क्या किया है थाउजेंड डिबेंचर्स टेन परसेंट डिवेंचर्स थे जो कि जिसकी वैल्यू थी टेन रुपीज इच ऑन फर्स्टीन को इशू किया रिडीमेबल एट पार ऑन थर्टी जून नाइनटीन ठीक है नाइनटीन को ये रिडीम हो रहे हैं पार वैल्यू पे द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर फिफ्टी फाइव थाउजेंड डिवेंचर्स एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑन प्रोराटा ठीक है फिफ्टी थाउजेंड रिसीव हुई हैं और अलॉटमेंट किस पे हो रहा है प्रोराटा बेस पे हो रहा है द तो रिडीम on due date, जो है वो रिडीम ऑन ड्यू ड्यू डेट डेट जो हैं हैं वो पे हो गए एज्यूम दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडमशन इज ड्यू ठीक है हमें क्या एज्यूम करना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें रिडीम होने हैं डिवेंचर उसमें इन्वेस्ट कर दिया है ठीक तो पास द जनरल एंट्रीज एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स डीआरआर इन्वेस्टमेंट इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ठीक है इंटरेस्ट को हमें इग्नोर करना है ठीक सबसे पहले क्या करेंगे एप्लीकेशन रिसीव करेंगे कितने के लिए रिसीव हुए हमारे पास फिफ्टी फाइव थाउजेंड के लिए तो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई एप्लीकेशन मनी आ गई तो एंट्री सब लोग जानते ही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्योंकि ये पे दिखा रहा अब क्या किया हम लोगों ने प्रोराटा अलॉट कर है जितने डिवेंचर हमने देने थे उतने हमने दिए बाकी एक्सेस मनी हमने रिफंड कर दी ठीक तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब इसमें से फाइव लाख हमने क्या किए? डिवेंचर्स अलॉट कर दिया और फिफ्टी थाउजेंड जो है वो हमने रिफंड कर दिया तो टू बैंक कर दिया क्लियर है तो इतना यहां तक सबको पता ही है अब क्या है कि जो अब इसमें क्या किया गया है कि डी क्रिएट किया गया है ठीक है डी क्रिएट करने के लिए मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर का हम लोग क्या करते हैं उसको डी में डालते हैं तो सिंपल है तो जो सरप्लस होगा उसमें से डालेंगे तो सरप्लस जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है इसको डेबिट करेंगे और टू डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट डी हम क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपल है हमारी फेस वैल्यू कितनी है फाइव लाख फाइव लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना निकला हमारा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इससे हमने क्या किया है डी क्रिएट कर लिया ठीक है उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हम लोग तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ठीक तो डीआरआई कितना किया फाइव लाख का फिफ्टीन परसेंट हम ने डीआरआई किया तो उसका हम लोगों ने अमाउंट आ गया यहाँ पे फाइव लाख का फिफ्टीन परसेंट जो भी आया अमाउंट वो यहाँ पे डाल दिया उसके बाद एंट्री करेंगे जून थर्टी को ठीक है तो थर्टी जून नाइनटीन को क्या हो रहे हैं ये रिडीम हो रहे हैं तो सिंपल है यहाँ पे क्या होगा गए डिवेंचर जो है रियलाइज होने हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिचर रिडमश इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट जो हमने ये किया था इसको क्या किया हमने 30 जून को रियलाइज कर लिया क्योंकि हमारे डिवेंचर जो हैं वो रिडीम होने थे तो हमने वापस पैसा निकाल लिया इन्वेस्टमेंट में से अब क्या किया डिवेंचर क्या हो रहे हैं हमारे ड्यू होंगे अब ठीक तो 10 होल्डर है ये हमारा हो हो गया कितना हो गया कितना क्योंकि पार वैल्यू पर ही हो रहा है ये 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 ये। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया गया डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट फाइव लैख पेमेंट कर दिया गया उसके बाद इस अमाउंट को क्या कर दिया है जो हमने डीआर आर बनाया था उसको क्या कर दिया हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व क्लियर है ये सबको यहां पे अमाउंट जो है हमारा ट्रांसफर हो गया क्लियर तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ठीक है इसमें क्या क्या हम लोगों ने किया एप्लीकेशन रिसीव करी प्रोराटा पे हम लोगों ने अलॉटमेंट किया उसके बाद क्या किया हम लोगों ने डी बनाया उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद इन्वेस्टमेंट को क्या किया रियलाइज कर लिया उसके बाद जो रिडम्पशन पर हमारा अमाउंट ड्यू हो रहा था डिबेंचर होल्डर का उसको ड्यू किया उसके बाद अमाउंट का पेमेंट किया उसके बाद कहाँ पे आ गए हम लोग जो हम लोगों ने डीआरआर बनाया था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ठीक है नेक्स्ट हमारा uh, है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स केस ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी है बैंकिंग कंपनी क्या होता है डीआरआर से एग्जाम होता है बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग वन लाख टेन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था वन लाख डिवेंचर्स जो कि टेन परसेंट थे डिवेंचर्स थे दस रुपए पे इशू किए थे और अब थर्टी जून को टू थाउजेंड नाइनटीन को वो रिडीम होने हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ डिचर रिड बी हाउ मच अमाउंट शुड बी शुड इट इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज पास द जनरल एंट्रीज सिंपल है जो अमाउंट होगा केवल वही आ जाएगा क्योंकि इसको डी आर आर बनाने की जरूरत नहीं होती है तो कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि उसको डी आर बनाने की जरूरत नहीं होती है तो इस केस में क्या होता है उसको जनरल रिजर्व भी बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि जनरल रिजर्व में क्या अमाउंट आता है जो हम डी आर बनाते हैं उसी अमाउंट को जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे चूंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ठीक है बैंकिंग कंपनी है तो इसको डी आर बनाने से ये एग्जाम है ठीक है तो इसको डी आर बनाने की जरूरत नहीं है तो इसलिए जो एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ड्यू की होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर होल्डर को जो अमाउंट पे हुआ है उसकी एंट्री होगी क्लियर है तो सिंपल है टेन परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे अमाउंट हमारा ड्यू हो गया है उसके बाद अमाउंट पे हो गया है डिवेंचर होल्डर को तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंट पे कर दिया है पूरा पूरा अमाउंट पे होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं हमें नहीं दिया है कि पार पे है सॉरी प्रीमियम पे है तो इसलिए हम लोग इसको पार पर ही रिडीम मानेंगे ठीक तो वन लाख मल्टीप्लाई बाय टेन थाउजेंड तो सॉरी टेन रुपीज कितना आ गया हमारा टेन लाख आ गया अमाउंट इसको डिवेंचर रिडीम हो गया हमारे क्लियर है जो हमने आपको बात बताई यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है नोट बैंकिंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्लियर है दोनों ही बैंकिंग कंपनीज़ को बनाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा उसको आपको सॉल्व करने हैं और ये जो एग्जाम्पल मैंने तीन बताए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा